आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस वर्लपूल की वाइट मैजिक रॉयल 6 kg वेरिएंट वाली वॉशिंग मशीन की। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इसका ऑपरेटिंग पैनल कुछ इस टाइप से है। तो मैं सबसे पहले इसकी आपको पावर रेटिंग दिखा दूं। तो यहाँ पे इसकी जो मोटर है इस पर 5 ईयर की वारंटी मिलती है, साथ में 360 वॉट पावरफुल मोटर है। यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है ये 5-स्टार रेटिंग वाला प्रोडक्ट है। और यहाँ पे कुछ जो इसकी स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन है उसके बारे में बताया हुआ है कि 0.0130 किलोवाट आवर पर केजी पर साइकिल। तो यहाँ पे इसके मॉडल की बात करें तो ये है मॉडल 31504 WM रॉयल 6.0 जेनेक्स ग्रे। और पीछे जो इसकी है यहाँ पे ये एक जो वाटर इनलेट के लिए है वो पाइप दिया हुआ है, और पाइप की क्वालिटी आप देख सकते हैं ठीक है, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो लगभग 1 मीटर के आसपास ही है। दूसरा ये बड़ा पाइप है जो कि यहाँ पे आउटलेट के लिए है जिससे कि पानी बाहर निकलता है। यहाँ पे इस मशीन की पावरफुल मोटर है, और ये जो इसकी जो पावर कोड है ये पावर कोड यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.5 मीटर के आसपास होगी। यहाँ पे वॉशिंग मशीन के साइड के पैनल की बात करें तो यहाँ पे ये हुक दिए हुए हैं, मतलब हुक क्या ये खाँच बना रखी है ताकि इसको आप पकड़ के आप यहाँ से खींच सकते हैं। नीचे किसी प्रकार के तो यहाँ नीचे की साइड यहाँ पे किसी प्रकार का कोई टायर वगैरह कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा हाथ जाए इतना सा गैप है। यहाँ पे कुछ स्पेशल लेबल दिए हुए हैं, इसमें पहला है स्मार्ट सेंसर के बारे में बताया हुआ, मतलब ये सेंस एंड अलर्ट द वोल्टेज फ्लक्चुएशन। यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लीन मतलब स्मार्ट लिंट फिल्टर है जिसके थ्रू ऑटोमेटिक यहाँ पे जो लिंट है वो कलेक्ट होके पानी के साथ बाहर निकल जाता है। और यहाँ पे स्मार्ट डिटर्जेंट रिकमेंडेशन, मतलब वो अपना आप जो कपड़ों की क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग आपको जो डिटर्जेंट है उसके बारे में यहाँ पे डिस्प्ले पे बताता है। अभी हम आपको करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले इसके जो कंट्रोल पैनल की बात करें तो यहाँ पे इसमें ये 12 स्पेशल फंक्शन मिलते हैं, मतलब 12 फंक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये प्रोग्राम 1 है जिसमें कि नॉर्मल वॉश होती है, प्रोग्राम 2 जिसमें हैवी वॉश, प्रोग्राम 3 जिसमें डेलीगेट्स, प्रोग्राम 4 में वाइट जो क्लॉथ्स हैं उनको कर सकते हैं, 5 में स्टेन वॉश कर सकते हैं, 6 में इको वॉश चलती है, और P7 में वूलन्स, P8 में बेडशीट, 9 में राइज एंड डाई, और प्रोग्राम 10 में ड्राई का ऑप्शन है। इसके अलावा प्रोग्राम 11 है वो वॉश ओनली है, और प्रोग्राम 12 है वो एक्वा स्टोर का है। यहाँ पे ये 6 सेंस इस पे जो है वो दी गई है, मतलब कि ये वोल्टेज फ्लक्चुएशन को भी डिटेक्ट करती है, प्लस आपके जो कपड़ों की क्वांटिटी है और हार्ड वॉश मतलब वाटर के टाइप है उसको डिटेक्ट करके उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम है वो सेलेक्ट करती है। तो यहाँ पे ये पावर का बटन दिया गया है जिसके के थ्रू इसको ऑन ऑफ करते हैं। यहाँ पे ये पी प्रोग्राम का बटन दिया हुआ है जिसके थ्रू कि जो ये भी जो 12 प्रोग्राम है इनमें से प्रोग्राम सेलेक्ट करना रहता है। यहाँ पे उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्ले स्टार्ट पॉज का बटन दिया हुआ है जिसके थ्रू आप जो वॉशिंग है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो ग्लास है ये टफिन ग्लास है, इसके अंदर से आपको अंदर का व्यू दिखता है। तो एक बार मैं खोल के दिखा दूँ तो अंदर यहाँ पे जो ये इसका ड्रम है स्टेनलेस स्टील का ड्रम, और ये इसका टब है, ये ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी पे, मतलब कि ये ऑटोमेटिकली इसको क्लीन कर देती है। और इसके नीचे की साइड यहाँ पे मैजिक लिंट वाला फीचर है जिसमें कि मतलब जो जितना भी लिंट होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू उसमें कलेक्ट हो जाता है और वो उसको बाहर जो वॉश पाइप है उसके थ्रू वहाँ बाहर उसको निकाल देते हैं। अंदर की यहाँ पे बात करें तो इस साइड यहाँ पे ये डिटर्जेंट के लिए कंपार्टमेंट दे रखा है, और इधर से जो पानी आता है वो यहाँ से डिटर्जेंट को लेके चला जाता है, और दूसरी साइड यहाँ पे ब्लीच के लिए एक ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलिए इसमें फिर कुछ वॉश करके देखते हैं। तो अभी हमारे पास ये जो है लगभग 3 किलो के आसपास कपड़े हैं, तो इनको हम वॉश करके देखते हैं इसमें।
सारे कपड़े मैंने डाल दिए। अब इस मशीन को स्टार्ट करेंगे। अभी यहाँ पे P1 प्रोग्राम आ रहा है और मैं एक्सप्रेस वॉश को भी सेलेक्ट कर लूँगा क्योंकि मुझे जल्दी करना है और ये जो जितने भी कपड़े हैं कोई इतने ज़्यादा खास गंदे हैं नहीं। और यहाँ पे मैं नॉर्मल वॉश में प्रोग्राम स्टार्ट करूँगा। तो अभी ये मशीन हमें बताएगी कि यहाँ पे कितना हमें डिटर्जेंट इसमें ऐड करना है। ये बोल रही है ऐड 2 स्कूप। तो यहाँ पे जो टाइम है 35 मिनट शो कर रहा है, ये यहाँ पे वॉशिंग टाइम है। ध्यान रहे ये वॉशिंग टाइम है, ये केवल जो वॉश करने का है वो टाइम है। इसमें जिस ड्यूरेशन में ये पानी लेती है मतलब पानी भरती है उस ड्यूरेशन का टाइम इंक्लूड नहीं होता है। तो प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो ये जो वॉशिंग मशीन है ये ऑलमोस्ट 12,000 से लेकर 14,000 तक मिलती है और जो डिफरेंट सेल्स आती है उसके अंदर इसकी थोड़ी जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो जाती है और EMI वगैरह की फैसिलिटी पे भी ये अवेलेबल रहती है। तो एक जो दो मेंबर्स के लिए तो ये सफिशेंट है। जो इसकी वॉशिंग है वो वैसे तो ठीक है, 50 मिनट के अराउंड लेती है अगर ये फुल इसको भर देते हैं तो, मतलब अगर फुल कैपेसिटी अराउंड 51 मिनट के आसपास लेती है। लेकिन 51 मिनट केवल वॉशिंग का टाइम है। इसमें जो पानी भर मतलब इसमें जो पानी ये कलेक्ट करती है उसमें एक्स्ट्रा टाइम लेती है। तो 51 अगर इसके डिस्प्ले पे शो हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये 51 प्लस जो इसमें पानी भरेगा उसका टाइम इसमें इंक्लूड होगा। तो अगर आपको जल्दी करना है तो आप ये भी कर सकते हैं कि भाई ऊपर से पानी इसमें एक्स्ट्रा जो बकेट है वो भर के डाल दीजिए ताकि आपका वो जो पानी भरने का ड्यूरेशन है वो कम हो जाए, या फिर कुछ एक्स्ट्रा मोटर चला दीजिए ताकि पानी स्पीड से आ जाए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। होप इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे पोस्ट कर देना कमेंट सेक्शन में, हुआ तो मैं उनका जवाब दे दूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।